उत्तर प्रदेश के नोएडा में अवैध तौर पर बने सुपरटेक ट्विन टावर की बिल्डिंग को गिराने की फिर से तारीख बढ़ा दी गई है। दरअसल तकनीकी कारणों के चलते 21 अगस्त को गिराए जाने वाले इस टावर को अब 28 अगस्त को ढाया जाएगा। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा में अवैध तौर पर बने सुपरटेक ट्विन टावर की बिल्डिंग को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद इसे गिराने की कवायद शुरू हो गई थी। लेकिन बार बार ढहाने का काम शुरू होने के बावजूद इसे पूरी तरह गिराने की तारीख बार बार बढ़ाई जा रही है। वहीं एडिफिस कंपनी जिसे इन दोनों टावर्स को गिराने का काम मिला है, उसने अपनी आखिरी रिपोर्ट अथॉरिटी को भेज दी थी। उसने टावर को गिराने में देरी से होने वाले नतीजों के बारे में चेताया था। एडिफिस कंपनी के मुताबिक 28 अगस्त तक इस बिल्डिंग को गिराना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जिसके बाद नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर सियान और एपिक्स में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विस्फोटक लगाने की मंजूरी दे दी है। 12 अगस्त से ट्विन टावर्स में विस्फोटक लगाने का काम शुरू हो जाएगा, जबकि 28 अगस्त को टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए नोएडा पुलिस भी एडिफिस कंपनी को NOC दे चुकी है। वहीं कंपनी की तरफ से कहा गया है कि शुक्रवार से टावर में विस्फोटक लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ट्विन टावर्स को गिराने के लिए विस्फोटक लगाने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके लिए बिल्डिंग के कॉलम और बीम को वी शेप में काटा जाएगा, फिर उसके अंदर विस्फोटक की छड़ रख दी जाएगी। जानकारों की माने तो किसी भी हाई राइज बिल्डिंग को गिराने के लिए उसके कॉलम और बीम में फ्लोर पर विस्फोटक भरा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए बिल्डिंग में करीब 7,000 छेद किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।